कोरोना मरीजों का ग्राफ गिर रहा है। सोमवार को केवल एक कोरोना संक्रमित मरीज मिला, इसके बाद से एक्टिव केस अब 106 रह गए हैं। वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान एक कोरोना संक्रमित 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है। जिले में संक्रमितों की संख्या 21,350 पहुंच गई है। इनमें 357 की मौत हो चुकी है, 20,887 लोग ठीक हो चुके हैं। सोमवार को ग्रामीण क्षेत्र के भटाट में एक मरीज मिला है। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि मरीजों की संख्या कम हो चुकी है, लगातार जांच कराई जा रही है, जल्द ही जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया जाएगा। डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है, साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि इसका वायरस ठंड में ज्यादा असर करता है, इसलिए लोगों को भीड़ भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन सभी को नहीं लग जाती तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।